हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल। और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम रिव्यू करेंगे नए MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम अपडेट का। दोस्तों नया बीटा अपडेट था वो यहां पर काफ़ी सारे फ़ोन्स को मिल चुका है, कुछ फ़ोन्स को मिलना बाकी है, उन फ़ोन्स को भी जल्द ही यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों लेटेस्ट बीटा अपडेट आया है वो है MIUI 10 का 8.12.13 13 दिसंबर 2018 का ये बीटा अपडेट है, जो आज हमें 14 दिसंबर 2018 फ्राइडे को देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों ये बीटा अपडेट है इसलिए ये हमें फ्राइडे को देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए यहाँ पर व्हाट्स न्यू की, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अदर्स, और अदर में लिखा गया है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस नई चीज़ की जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। दोस्तों एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ये हो गया है अपडेट। आपको यहाँ पर 1 दिसंबर 2018 का एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छा है। इससे जो हमारे फ़ोन्स के जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी है वो काफ़ी मज़बूत यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनका सिक्योरिटी पेज लेवल अटका हुआ है और उनका जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो अपडेट नहीं हो पाता है, और वो अपडेट होगा भी नहीं जब तक एंड्रॉयड वर्जन चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले नए फीचर की जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा फीचर है और ये आपको कुछ ही ऐसे फ़ोन्स है जहाँ पर आपको देखने को मिला है, काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 Pro और यहाँ पर ये फीचर देखने को मिला है। इसका नाम है यूज़र गाइड, जो आपको सेटिंग में नीचे ही नीचे आपको बॉटम साइड में देखने को मिला है। तो दोस्तों इसके भी मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यूज़र गाइड को, और ये यहाँ पर यूज़र मेनू लिखा गया है। यहाँ पर आपको बेसिक फीचर, इमेज, सिस्टम और टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर देखने को मिला है, आप इसे यूज़ ले सकते हैं। और जो ये जो आपका ये जो यूज़र मैनुअल है ये आपको बताएगा कि कौन सा फ़ीचर कैसे काम करता है और क्या क्या जो फीचर है उसका जो काम लेने का तरीका है और क्या क्या आप इससे यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो चेंज लॉक थे उसकी चर्चा मैं आपको वीडियो में पहले जो वीडियो बनाई थी प्रीव्यू वीडियो वहाँ पर कर चुका हूँ, और आपको जो चेंज लॉक थे जो Xiaomi की तरफ से डिफ़ॉल्ट चेंज लॉक थे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कुछ नया यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला था, क्या कुछ बग फिक्स हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए यहाँ पर कैमरे में, दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जो अभी भी पोर्ट्रेट मोड का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उन्हें पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला है, तो उम्मीद करते हैं उन्हें पोर्ट्रेट मोड जल्द ही यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए यहाँ पर वीडियो की और 4K रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों 4K रिकॉर्डिंग अभी Xiaomi के Redmi Note 5 Pro और कुछ और फ़ोन से जहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि MIUI से रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू गाइज आज का वीडियो देखने के लिए।